हेलो एवरीवान वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है इन टूडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द ऑरेंज बुक तो ऑरेंज बुक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बहुत बार अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर ऑरेंज बुक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आज का जो ये हमारा वीडियो लेक्चर है स्पेशली रहेगा ऑन ए ऑरेंज बुक जिसके अंदर हम उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे अबाउट द ऑरेंज बुक उसका कंटेंट क्या होता है ऑल्सो अबाउट इट्स वेरियस एडिशन एंड पब्लिकेशंस एंड फिर उसके जो अलग अलग क्राइटेरिया से उसी के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे तो लेट्स स्टार्ट इन दिस लेक्चर ऑफ ए ऑरेंज बुक सो बी अपडेटेड विद द फार्मा नॉलेज फॉर दैट सब्सक्राइब द चैनल And press on the bell icon and never miss any video of PharmaRox. PharmaRox mobile application is now available, so download this app Pharmarocks Android app on Google Play as well as Apple iPhone app on App Store. Get the link in a description box. Description box me aapko link mil So you will find out the study material in PDF, test series, video lecture, and also the प्रिंटेड स्टडी मटेरियल ऑन द एप तो मस्ट डाउनलोड देशन ऑन गूगल प्ले एज वेल एज एपल आइफ एन एप ऑन एप स्टोर गेट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो अवर टूडेज मेन टॉपिक इट इज एरेंज बुक तो ऑरेंज बुक क्या है उसके बारे में सबसे पहले जानते हैं तो द ऑरेंज बुक इज ए लिस्ट ऑफ़ ड्रग्स दैट द यू एस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अप्रूवड एज बॉथ सेफ़ एंड इफेक्टिव कि जब किसी भी ड्रग की बात आती है कि जब हम ड्रग की डेफिनेशन भी पढ़ते हैं किसी भी डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन तैयार करते हैं तो उस वक्त ये दो पॉइंट हमेशा हम इंक्लूड करते हैं टू डेवलप सेफ एंड इफ़ेक्टिव ड्रग और टू डेवलप द सेफ एंड इफ़ेक्टिव डोजेस फॉम तो जब कोई मैन्युफैक्चर कोई भी इंडस्ट्री कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जब कोई भी डोजेस फॉर्म जो है वो डेवलप करता है तो वो कैसा होना चाहिए सेफ़ एंड इफेक्टिव और वो डोजेस फॉर्म एज़ वेल एज़ ड्रग को अप्रूवल करने का काम है एफ का तो जो यूएस एस एफ जो हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जिसको एफ के नाम से बहुत ही फेमस है तो उन्होंने जो लिस्ट बनाई है लिस्ट ऑफ ड्रग दैट द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज अप्रूव्ड एज बहुत सेफ एंड इफेक्टिव तो ऑरेंज बुक के अंदर ये मेडिसिन की प्रॉपर लिस्ट है और ऐसी मेडिसिन की जिसको अप्रूवल है यूएस एफ का एज अ सेफ एंड इफेक्टिव कि जो मेडिसिन प्रॉपर सेफ है प्लस इफेक्टिव है उसका प्रॉपर लिस्ट बनाकर आपने को दिया है एफ ने तो वो जो बुक के अंदर जो ये सब इंफॉर्मेशन है उसको कहा जाता है ऑरेंज बुक अब हमारे माइंड में दूसरा एक क्वेश्चन होगा कि इसको ऑरेंज बुक हम क्यों कहते हैं बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका कवर ये है ये बुक का कवर पेज तो कवर पेज का जो हम कलर देखेंगे तो दैट इज ऑरेंज कलर दैट इज ऑरेंज इन कलर तो उसका जो कवर पेज है वो कौन से कलर का है ऑरेंज कलर का है और उसमें लिखा है अप्रूवल ड्रग प्रोडक्ट्स विथ थेरापटिक इक्वी बैलेंस तो ये था 2019 का एडिशन की थर्टी नाइन्थ एडिशन वहाँ पे लिखा है और कौन उसको पब्लिश करता है किसके अंडर में पब्लिश होते तो लिखा है द प्रोडक्ट इन दिस लिस्ट हैव बीन है फाइव जीरो फाइव ऑफ द फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विस फिर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर फॉर ड्रग इवेल्यूशन एंड रिसर्च ऑफिस ऑफ मेडिकल प्रोडक्ट एंड टॉबेको एंड ऑफिस ऑफ जीनेरिक ड्रग तो ये है उसका मेन कवर पेज तो आगे जानते हैं ऑरेंज बुक के बारे में तो अल्दो इट्स कॉमनली कॉल ऑरेंज बुक इल ऑरेंज बुक इट्स फॉर्मल नेम इज़ अप्रूवल ड्रग प्रोडक्ट्स विथ थेरापिटिक इक्विवेलेंस एंड इवेल्यूशन इसको तो हम कहते हैं ऑरेंज बुक दिस इज कॉल ऑरेंज बुक यहाँ पे जो हमारा मेन जो टाइटल है कि हमारे टाइटल के अकॉर्डिंग टू ये जो है मेन हमारी ऑरेंज बुक और उसका जो फॉर्मल नेम है वो है अप्रूवल ड्रग प्रोडक्ट्स विथ थेरापिटिक इक्वी बैलेंस एंड ईवेल्यूशन तो ये है एक सबसे बड़ा आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए पॉइंट यहां से उसका जो फॉर्मल नेम है उस पर से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉट इज द नेम ऑफ द गिवन बुक तो ऑरेंज बुक लिखा हो और नीचे ये ऑप्शन दिया हो अलग अलग उसमें से आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे या फिर ये टाइटल दिया है एंड नीचे अलग अलग दिए देखे ऑरेंज बुक ब्लू बुक ग्रीन बुक येलो बुक तो उस वक्त आप जो सिलेक्ट करोगे आंसर दैट इज ऑरेंज बुक तो इट्स ऑफिशियल टाइटल इज अप्रूवल ड्रग प्रोडक्ट विथ थेराबिटिक इक्विवेलेंस एंड इवेल्युएशन कॉमनली ऑरेंज बुक ड्यू टू ऑरेंज कवर ऑफ द ओरिजिनल प्रिंट वर्जन कि जो उसका ये हम वर्जन देख रहे हैं प्रिंट वर्जन जो कहा जाएगा प्रिंट वर्जन कि ये जो वर्जन है वो कौन से फॉर्म में है तो दैट इज ए प्रिंटेड तो जो प्रिंटेड वर्जन है उसके कारण उसको कहा जाता है ऑरेंज बुक ड्यू टू ऑरेंज कवर यही रीजन है उसको ऑरेंज बुक कहने का और उसका जो नियर प्रॉपर ऑफिशियल टाइटल है अप्रूवल ड्रग प्रोडक्ट्स विथ थेरापटिक इक्विवेलेंस एंड इवेल्यूएस तो ये है आपके लिए सबसे पहले मोस्ट आई एम पी पिन पॉइंट तो यहां से आपका मेन बेसिक जो है वो स्टार्ट होता है ये ऑरेंज बुक के बारे में कि जो बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए फिर इसको कौन पब्लिश करता है अंडर कौन सेक्शन तो ये सेक्शन भी आपको याद रखना है सेक्शन 505 जीरो फाइव ऑल्सो फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इट इज द फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन लिस्ट ऑफ ऑल ड्रग इन द यूनाइटेड स्टेट एज सेफ एंड इफेक्टिव तो यहाँ पे उन्होंने मेन सेंटर में जो चीज रखी है ऑरेंज बुक के तो वो है सेफ एंड इफेक्टिव कि ड्रग प्रोडक्ट तो है बहुत सारी ड्रग प्रोडक्ट्स हम देखते हैं मार्केट के अंदर अवेलेबल होती है तो यहाँ पे उन लोगों ने सेंटर में जो चीज़ रखी है एक तो उसकी सेफ्टी एंड साथ में लिखा है इफेक्टिवनेस ये है उसका मेन सेंटर पॉइंट ऑफ और दिस ऑरेंज बुक और फिर ये चीज को ध्यान में रख के उसके अलग अलग जो कंटेंट है वो तैयार किया, कि किया जाता है कि जो ड्रग का प्रॉपर लिस्ट तैयार किया जाता है बेज ऑन देयर अप्रूवल कौन से अप्रूवल की जाती है फिर उसकी लेटेस्ट अपडेट्स फिर उसके रिलेटेड जो कोई रिव्यू हो उसके बेसिस पर कि कौन से रिव्यूज है उसके बेस पर ये ड्रग लिस्ट उसके लेटेस्ट अपडेट्स एंड अप्रूवल भी उसके बेसिस पे और सेंटर में की वर्ड है सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस बट यहाँ पे जो लिस्ट बनाई जाती है वहां पे एक ध्यान रखा जाता है मेन एक और चीज का वो है थेरापूटिक इक्विवेलेंस एंड इवेल्युएसन तो ये पॉइंट हम आगे समझेंगे कि ये बुक का जो टाइटल है कि भले ऑरेंज बुक कहते हैं बिकॉज ऑफ द ऑरेंज कलर कवर पेज बट उसका मेन टाइटल आपको कभी भी नहीं भूलना है कि अप्रूवल ड्रग प्रोडक्ट्स कि ऐसी प्रोडक्ट्स की जो प्रॉपर अप्रूव है किसके द्वारा तो एफ द्वारा अप्रूवड है यूएस एफ एंड विथ ये वर्ड जो है विथ बहुत ही है इम्पोर्टेंट विथ थेरापिटिक इक्विवेलेंस एंड इवेल्यूशंस तो जानते हैं डिटेल उसी के बारे में तो इन एडिशन टू लिस्टिंग ऑल द अप्रूवल ड्रग्स द ऑरेंज बुक इज ऑल्सो द ऑथोरेटिव सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द थेरापिटिक इक्विवेलेंस ऑफ ड्रग प्रोडक्ट तो ये वाला पॉइंट मैं खास आपके लिए ये राउंड कर रहा हूं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बुक कि सभी बुक्स का कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होता है कि जैसे हमने फार्मुलरिज के बारे में सीखा नेशनल फॉर्मुलरी ऑफ इंडिया अलग अलग जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरीज़ बनाई जाती है फार्माकोपियाज होती है बहुत सारी ऐसे ऑफिशियल पब्लिकेशंस होते उसके बारे में हम जानते हैं तो वैसे ही ये ऑरेंज बुक है उसका मेन इम्पोर्टेंस क्या है वॉट इज द मेन प्राइम इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बुक इट इज ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द थेरापिटिक इक्विवेलेंस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट जो भी आपके पास ड्रग प्रोडक्ट है कि समझो कि मेरे पास ये प्रोडक्ट ए है एंड प्रोडक्ट बी दोनों प्रोडक्ट जो है यूएसएफ डी द्वारा सेफ्टी में भी पास हो गई है एज वेल एज इफेक्टिवनेस में भी पास है इफेक्टिव है तो दैट इज ऑल्सो यस बट यहां पे एक और इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर बनाई जाती है कि थेरापिटिक इक्विवेलेंस थेरापिटिक इक्वी बैलेंस तो थेरापिटिक इक्वी वैलेंस क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए तो वो भी जानते हैं हम आगे डिटेल में तो इट इट आइडेंटिफाइज द ड्रग प्रोडक्ट अप्रूवल ऑन द बेजिस ऑफ सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस बाय द एफ डी एंडर ये चीज तो आपके लिए प्राइम इंपोर्टेंट बन गई बट आगे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ड्रग प्रोडक्ट्स को जो अप्रूवल किया जाता है और उनकी प्रॉपर आप लिस्ट बनाते हैं बेज ऑन सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस तो उसके सेंटर में ही है एंड बाय द एफ डी एफ डी उसको प्रॉपर अप्रूवल करता है अंडर फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रिलेटेड पेटेंट एंड एक्सक्लूसिविटी इंफॉर्मेशन तो ऑरेंज बुक की जो पब्लिकेशन है यहाँ पे भी हमने टाइटल कवर पेज पे देखा द प्रोडक्ट इन दिस लिस्ट हैव बीन अप्रूव्ड अंडर द सेक्शन 505 ऑफ द फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट और यहाँ पे उसके सभी डिपार्टमेंट्स भी प्रॉपर मेंशन है तो ये दोनों कवर भी अच्छे से आप पढ़ो यहाँ पे उसका एडिशन लिखा है कि ये थर्टी नाइन्थ एडिशन है 2019 की फिर 2020 की जो पब्लिकेशन होगा उसके एडिशन हो जाएगा फोर्टींथ एडिशन और ये उसका मेन टाइटल और उसको हम कहते हैं ऑरेंज बुक तो यहां पे हमने देखा कि उसका इम्पोर्टेंस, कि सभी बुक का जो इम्पोर्टेंस होता है उसमें ये बुक का इंपॉर्टेंस है कि हमें इंफॉर्मेशन देती है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन थेरापिटिक इक्विवेलेंस ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट तो व्हाट इज थैरापिटिक इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स तो ड्रग प्रोडक्ट्स आर कंसीडर टू बी थैरापिटिक इक्विवेलेंस ओनली इफ दे आर फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट्स फिर से समझिए ये पॉइंट कि इफ दे आर फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट कि ड्रग प्रोडक्ट्स को आप कंसीडर करोगे थेरापिटिक इक्विवेलेंट तब कि जब वो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट होंगे इफ दे कैन बी एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम क्लिनिकल इफेक्ट सेम क्लिनिकल इफेक्ट एंड सेफ्टी प्रोफाइल व्हेन administer to the patient under the conditions specified in the labeling ki ye mere paas hai product a ye hai mere paas product b ab samajhiye yahan pe khas aapko samajhna hai ki drug products drug product a hai drug product b consider to be थेरापिटिक equivalent। समझे कि मैं उनको थेरापिटिक equivalent consider करता हूँ कब जब वो दोनों क्या होंगे इफ दे आर फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट तो ये कह सकेंगे कि टी ई e यहाँ पे लिखता हो तो टी इज इक्वल टू होना चाहिए पी ई थेरापिटिक इक्विवेलेंस इज इक्वल टू फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस होगा तो ही वो कहा जाएगा थेरापिटिक इक्विवेलेंस अब थेरापिटिक इक्विवेलेंस मतलब कि जो उसकी थेरापिटिक इफेक्ट थेरापिटिक इफेक्ट इज इक्वल टू द फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब कि दोनों मेडिसिन ड्रग प्रोडक्ट ऐसे कि दोनों की थेरापिटिक इफेक्ट मतलब कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन होनी चाहिए सेम और फार्मास्यूटिकल इक्विबेलेंस मतलब कि उनके अंदर होंगे सेम इंग्रेडिएंट्स दो ड्रग प्रोडक्ट्स दोनों अलग अलग है बट दोनों के थेरापिटिक इफेक्ट सेम है फार्माकोलिकल एक्शन सेम है बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि दोनों फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट से, मतलब कि दोनों अलग अलग ब्रांड है ये है ब्रांड ए है और ये ब्रांड बी है बराबर तो फिर से समझते हैं कि फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट्स आप समझोगे ये वाले एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट्स आर द ड्रग प्रोडक्ट विच कंटेन द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट कि यहाँ पे है मेरे पास आई दिस साइड आई हैव ए आई एंड द सेकंड साइड आई हैव अनवांटेड वॉन्टेड सेवेंटी टू ये है अनवांटेड 72 यहां पे है मेरे पास आई पील। अब दोनों हम जानते हैं कि इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है दूसरे वर्ड में कहे तो बर्थ कंट्रोल पिल भी कही जा सकती है बट यूजली बर्थ कंट्रोल पिल के कैटेगरी में भी वो है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल दोनों के ऊपर आप देख सकते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट या फिर पिल अब दोनों के ड्रग के नाम आप देखो लिवो नो नगेस्टर टैबलेट लिवोनोरगेस्ट्रॉल टैबलेट लिवो एसपर आईपी सेम यहां पे लिवोनॉर्गेस्ट्रॉल टैबलेट एसपर आईपी और दोनों का है कॉन्ट्रासेप्टिव काम तो दोनों का जो यूज हम देखें या फिर थेराप्यूटिक इफेक्ट में कहो इंग्रेडिएंट्स देखो आप सबसे पहले मैं लिख लेता हूं यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स एंड सेंटर में लिखते हैं चलो इंग्रेडिएंट्स रखते हैं सेंटर में एंड यहां पे मैं लिख रहा हूं ई मतलब कि थेरापिटिक इफेक्ट शॉर्ट में तो देखो ये दोनों के अंदर इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं तो लिवो नॉर्गे स्ट्रेल सेम यहां पे भी लिवो नॉर्गे स्ट्रेल एस टी आर ई एल तो यहां पे देखे फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट कही जाएंगी पी पीई -E हो गई बिकॉज प्रोडक्ट विथ कंटेंट द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट अब देखो आईपीएल का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हम कहे ए पी आई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट तो वो है लेवन और गेस्ट्रॉल सेम इंग्रेडिएंट प्रेजेंट इन दिस अनवांटेड 72 सेवेंटी टू स्ट्रेंथ देखे ऑल्सो सेम इन स्ट्रेंथ एज पर द आई पी एंड फॉर्म डिलीवर बाय द सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्लस दोनों का रूट देखे तो दोनों ओरल रूट से हम देते हैं किसी पे भी पेशेंट को ओरल यहां पर भी ओरल फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखे तो बर्थ कंट्रोल ये भी बर्थ कंट्रोल करता है एंड बोथ आर बर्थ कंट्रोल एज इमरजेंसी तो अब आप देखिए सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है सेम स्ट्रेंथ एज पर दायपी एंड सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट तो ये दोनों कह सकेंगे हम फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट बोथ आर वी कैन कॉल पीई और पीई इज इक्वल टू तो फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंस होगा तो ही थेरापेटिक इक्विवेलेंस जो है वो ज्यादातर डेवलप होता है तो ऑरेंज बुक ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखकर आपको प्रॉपर लिस्ट देती है तो कॉमनली मेडिकेशंस आर अवेलेबल फ्रॉम मैनी डिफरेंट मैन्यूफेक्चर एंड मैनी बी अवेलेबल अंडर डिफरेंट नेम्स नेम अलग है नेम के बात हम यहां पे नहीं हो रही है किसको इन्होंने नाम दिया है आईपीएल यहाँ पे नाम दिया है अनवांटेड 72 सेवेंटी टू बट दोनों का एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम है स्ट्रेंथ सेम है एंड डोजेस फॉर्म भी सेम रूट द्वारा डिलीवर किया जा रहा है एज सीन विथ डिफरेंट बर्थ कंट्रोल ब्रांड्स तो ये है फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट और फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट हो गए वो हो सकते हैं थेरापिटिक क्ट इसलिए आप देखो आर फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट तो इस तरह से जो है वो थेरापिटिक इक्विवेलेंट इज इक्वल टू फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट ये उनका एग्जाम्पल तो जो ऑरेंज बुक का कॉन्सेप्ट भी यही है की थेरापिटिक इक्विवेलेंस के बेस ऊपर आपको ड्रग की लिस्ट बना कर देता है एज वेल एज प्रॉपर अप्रूवल ड्रग और उनको सेंटर में रखा जाता है एक तो सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस को एंड जो यूनिक कॉन्सेप्ट है इसके अंदर वो है टी थेरापिटिक इक्विवेलेंस कि थेरापिटिक चीज को ज्यादा ध्यान में रख के प्रॉपर लाइन लिस्टिंग हमें मिलती है कि जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाती है तो इसकी हिस्ट्री जान लेते हैं ऑरेंज बुक की तो हिस्ट्री इन द मिडल ऑफ द पास्ट सेंचुरी मैनी स्टेट इनएक्टेड लॉस बैनिंग द सब्सटीट्यूशन ऑफ द ड्रग्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इंफेरियर और काउंटर फिट प्रोडक्ट तो ये बात है यूएस की कि जिसके अंदर Uh, पिछली जो सेंचुरी का जब मिडल पार्ट में हम जाए तो उस वक्त बहुत सारे स्टेट्स ने ऐसे लॉज एन ऐसे स्टार्ट किए कि जिसके अंदर ड्रग्स इन एन अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ एन इंफेरियर और काउंटर फील्ड प्रोडक्ट की जो ऐसे प्रोडक्ट की जो अनसेफ होती है प्लस अनइफेक्टिव होती है ऐसे भी प्रोडक्ट्स मार्केट में होती है तो उनसे प्रॉपर प्रिवेंशन के लिए स्टेप्स लिए फिर बाय द नाइनटीन सेवेंटीज हवर इकोनॉमिक प्रेशर हैड लेड टू द रिपील ऑफ दिस एंटी सब्सटीट्यूशन लो एंड स्टेट्स बिगेनिंग विथ न्यूयॉर्क बिगेन लुकिंग टू द फेडरल गवर्नमेंट फॉर गाइडेंस इन क्रिएटिंग फॉर्मुलरीज टू रेगुलेट सब्सटिट्यूशंस कि एक ऐसा प्रॉपर एक लॉ हो कि जिससे प्रॉपर जो है वो सभी जो मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन मिले एज़ वेल well एज ऐसी फॉर्मुलरीज आप क्रिएट करें कि जो है आपके लिए प्रॉपर सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन के ऊपर काम करें और उसके लिए एक फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए कि जो प्रॉपर आपको गाइडेंस करें तो आगे जाके in response to such request the fda announced its intention to create a list of approved drug and therapeutic equivalence determination a basic condition ke andar jo fda tha food and drug administration ke unhone announce किया कि हम आपको एक ऐसी list बना कर देंगे कि जिसके अंदर प्रॉपर मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन होगी और ऐसी मेडिसिन की जो एफडीए द्वारा प्रॉपर अप्रूवल की गई है एंड ऑल्सो विथ थेरापिटिक इक्वेलेंस डिटर्मिनेशन कि आप थेरापिटिक इक्विवेलेंस कब काम आता है कि समझो कि कोई पर्सन को मेडिसिन ए उसका ब्रांड ए है यह है ब्रांड बी बट ब्रांड ए के अंदर जो एपीआई एंड बी का एपीआई बॉथ आर सेम ऑल्सो देयर थेरापिटिक इफेक्ट इज सेम बट समझो कि कॉस्ट में देखो कि एक ही कॉस्ट थोड़ी कम है कि समझो कि इसकी कॉस्ट है टेन यूएसडी और इसकी कॉस्ट समझो कि किसी को पड़ती है फिफ्टी यूएसडी तो उसका मतलब ये हुआ कि जो भी पर्सन है वो समझो कि थेरापिटिक इफेक्ट सेम है ए सेम है जस्ट ब्रांड के डिफरेंट के कारण जब कॉस्ट इंक्रीज होती है तो उस वक्त इजी है या फिर समझदार इसी में होगी किसी की कि ये ये वाला ब्रांड सिलेक्ट करें तो यही चीज़ है कि थेरापिटिक व्विक्यूलेंस की जब आपको नॉलेज मिलती है अलग अलग ब्रांड्स के बीच में अलग अलग डोजेस फॉर्म के बीच में तो उस वक्त आप अपनी चॉइस से कोई प्रॉपर डोजेस फॉर्म सिलेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर कोई मेडिसिन सिलेक्ट कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बन जाती है और यहाँ पे सिलेक्शन के दौरान कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी आपको ऐसी लिस्ट दी है कि वो है प्रॉपर सेफ तो सेफ एंड इफेक्टिव ही है तो ये एक यूनिक चीज है ये बुक के अंदर कि यहाँ पे जो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है वो एक तो सेफ तो है ही और साथ में इफेक्टिव भी है तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंस चीज और सेफ और इफेक्टिव के साथ थेरापिटिकलेंस के प्रॉपर ऐसे इवेल्यूशंस एक्सपेरिमेंट्स रिसर्च रिव्यूज एक्सपर्ट्स की जो एडवाइस सभी के बेस रख कर ये प्रॉपर तैयार किया जाता है तो जो फर्स्ट एडिशन ऑरेंज बुक का अपेयर हुआ 1980 के अंदर तो ये है आपके लिए इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पिन पॉइंट द फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑरेंज बुक वॉज पब्लिश इन द ईयर नाइनटीन एटी न्यू एडिशन इज पब्लिश ईच ईयर एंड क्यूम्यूलेटिव सप्लीमेंट्स आर मेड अवेलेबल ऑन मंथली बेसिस के फिर मंथली बेसिस पे उसके टिव सप्लीमेंट्स तैयार किए जाते हैं एंड फिर जैसे ही वो ईयर कंप्लीट होता है तो फिर नया एडिशन उसका लेटेस्ट जो है वो पब्लिश हो जाता है तो ये बात है कि ऑरेंज बुक उसकी हिस्ट्री उसके एडिशंस जाने लेटेस्ट एडिशन तो जब भी हमारा वीडियो पब्लिस हो रहा है तो उस वक्त फोर्टीन एडिसन इस पब्लिश हुआ दो के अंदर की ये जो वीडियो लेक्चर है वो 2020 का है तो ये वीडियो लेक्चर की जो हमारी डेट है सितंबर 2020 हम कहे तो सितंबर 2020 तक फोर्टीन एडिशन जो है वो पब्लिश हुआ है ऑरेंज बुक का फर्स्ट एडिशन था 1980 के अंदर तो ये जो टाइम पीरियड हम देखे तो एटलीस्ट 40 इयर्स है और 40 इयर्स के अंदर 40 एडिशन तो ये बहुत ही काफ़ी अच्छी बात है कि इतना रेगुलर बेसिस पे ये बुक के अंदर अपडेट्स होते हैं तो जिससे एरर के तो बहुत ही कम ही चांस है और लेटेस्ट आपको इंफॉर्मेशन इसके अंदर मिलती रहती है विदाउट एनी एरर एंड सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस में तो उसकी एक अलग ही क्वालिटी है थर्स इन फोर्टी ईयर्स देर आर टोटल फोर्टी एडिशन ऑफ दिस बुक

थर्स वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स टू गेट नॉलेज मोबाइल एप्लीकेशन भी है ऑरेंज बुक का कि आप गूगल प्ले स्टोर पर देखेंगे तो ओबी एक्सप्रेस टू पॉइंट जीरो ऑरेंज बुक एक्सप्रेस आपको ये मिल जाएगा फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन पर्पज से है एंड ये वाले उसके अलग अलग स्क्रीन है कि ऑरेंज बुक ऑरेंज बुक डेटा यूज थ्रू सेप्टेम्बर ट्वेंटी फिफ्टीन न्यूली एडेड पेटेंट्स पेटेंट डेलिस्टिंग्स, और ये है उसकी लिंक तो ये ऑरेंज बुक मोबाइल एप्लीकेशन भी अवेलेबल है कि जहां पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती है तो अब जानते हैं ऑरेंज बुक की यूजेस तो इट आइडेंटिफाइज द ड्रग प्रोडक्ट्स अप्रूव ऑन द बेजिस ऑफ सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस तो जब आपको ऐसे ड्रग प्रोडक्ट्स चाहिए कि जो प्रॉपर सेफ है एंड इफेक्टिव है तो उस वक्त आप यूज करेंगे ये ऑरेंज बुक उसके अलावा प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑन सेफ यूज ऑल्सो फोकस ऑन यूज ऑफ मेडिसिन बेज ऑन देअर इफेक्टिवनेस ऑल्सो अबाउट द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मेडिसिन एंड इट्स सूटेबल डोजेस फॉर्म की जब आपको कोई सुटेबल डोजेस फॉर्म सिलेक्ट करना है बेज ऑन सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस तो उस वक्त आप ऑरेंज बुक को जरूर से यूज करेंगे एंड हेल्प टू चूज मेडिसिन बेज ऑन देयर थेरापिटिक इक्विवेलेंस और ये आपका सबसे मेन इम्पोर्टेंट यूज रहेगा कि आप को हेल्प करेगी ये बुक टू चूज मेडिसिन बेज ऑन देयर थेरापिटिक इक्वेलेंस तो ये है काफी खासियत ये ऑरेंज बुक की तो ऑरेंज बुक का जो है मेन कॉन्सेप्ट थेरापेटिक इक्वेलेंस कि जो उसके जो कोड्स होते हैं तो थेरापेटिक इक्वेलेंस के टोटल कोड दो है दो कैटेगरी में ये कोड डिवाइड होते हैं एक तो है कोड ए एंड दूसरा कोड बी तो व्हाट इज कोड ए तो कोड ए ड्रग्स आर दोस विच आर एफ डी ए कंसिडर्स टू बी थेरापिटिकली इक्विवेलेंट एंड देर फॉर सब्सिट्यूबेबल वेर परमिटेड बाय द प्रिस्क्राइब फिर से समझिए ए ड्रग्स जो है कोड ए के अंदर जो भी ड्रग्स है वो सभी कंसिडर की जाती है एज अ थेरापिटिकली इक्विवेलेंट एंड देयर फॉर

नॉट बीन रिजोल्व कि जो बायोलॉजिकल इक्वी होता है कि समझो कि दो डोजेस फॉर्म समझो सेम है यहाँ पे बात होती है बायोलॉजिकल इक्वी वैलेंस की तो समझो कि थेरापिटिक्स आ, आ, इफेक्ट जो आपको मिल रही है बायोक्वेलेंस सी जो हम कहते हैं तो बायो की जो प्रॉब्लम्स है कि थेरापिटिक इफेक्ट आपको सेम मिल रही है बट दो ए पी समझो कि अलग अलग है उनकी इफ़ेक्ट थोड़ी आपको अलग मिल रही है तो ये हो जब प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है पोटेंशियल बायो प्रॉब्लम और वो जब रिज़ोल्व ना हो तो उस वक्त वो मेडिसिंस जो है वो लिस्ट बी के अंदर रहती है जिसको कहा जाता है कोड बी तो बी रेटेड ड्रग्स आर नॉट लीगली सब्सटीट्यूटेबल तो उसको आप लीगली सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते कि जो बी रेटेड है सिर्फ ए रेटेड सब्सटीट्यूट हो सकती है बिकॉज ये ऐसी है कि वो थेरापटिक एक सब्सटीट्यूशन मतलब कि समझे कि ब्रांड ए आप यूज करते हैं तो उसके बजाय यू कैन यूज यू कैन यूज ब्रांड बी ऑल्सो कि जब आप मेडिकल स्टोर पर जाते हैं आपको ब्रांड ए नहीं मिल रही तो उस वक्त यू कैन ऑल्सो चूज ब्रांड बी बिकॉज दे बॉथ आर थेरापिटिक इक्वीवेलेंस बट समझो कि आप यहाँ पे जाते हो इसको नाम देते हैं ब्रांड सी एंड ब्रांड डी है दो नो बायो इक्वीवेलेंस है Though, no, दे बॉथ आर बायोलॉजिकल इक्विवेलेंस तो उस वक्त ये सब्सटीट्यूशन जो है वो इलीगल रहेगा कि आप सब्सिट्यूशन करते हैं तो वो इलीगल होगा और सब्सटी आर नॉट लीगली सब्सटिट्यूटेल तो ये है इंपोर्टेंस ऑफ दिस कोर्स यही कोर्स को हम डिटेल में सीखेंगे वी लर्न इन डिटेल अबाउट द पार्ट टू तो ऑरेंज बुक का जो सेकेंड पार्ट हम uh, सीखेंगे जिसके अंदर थेरापिटिक इक्विवेलेंस का कोर्स, ए कोड बी कोड एंड उसके रिलेटेड जो ड्रग लिस्ट सभी को डिटेल में स्टडी करेंगे पार्ट सेकंड वीडियो लेक्चर ऑफ दिस ऑरेंज बुक तो टिल देन जॉइन अस ऑन व्हाट्सएप सेंड योर नेम सिटी नेम इन व्हाट्सएप ऑन नाइन फोर टू सिक्स वन एट जीरो एट थ्री सिक्स सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो यूज दुड अपॉन गूगल प्ले एपल आई फॉन अपन App Store for study material, test series, video lecture, and printed material. So, good luck and all the best.